एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO जो है किनको अपॉइंट किया गया है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, आपके आधार कार्ड जो है वो इसी अथॉरिटी के अंदर जो है वो बनते हैं। ओके, तो इसके जो CEO बने हैं इनका नाम है अमित अग्रवाल। क्या आंसर है? अमित अग्रवाल। ओके, क्लियर है। और इसी टाइम पे, सेम टाइम पे अगर हम बात करें तो सुबोध कुमार सिंह इनको अपॉइंट किया गया है जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब NTA का। और ये बोथ मतलब दोनों जो पर्सन्स हैं, दोनों पर्सनालिटीज हैं, ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ कैडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, वो किनको इलेक्ट करा गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पीटर अल्बर्ट्स। ठीक है, पीटर अल्बर्ट्स। पहले अगर हम बात करें तो इंडिगो के ये CEO थे, अब इनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ गवर्नर के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हेल्ड हुई। ओके, कहाँ पर हेल्ड हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज बनारसी। ओके, कहाँ पे? बनारस में। और जिसमें हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करी है जिसका नाम है अमृत जनरेशन कैंपेन, नए भारत के सपने। तो किस कंपनी के साथ मिलके इन्होंने ये जो नए भारत के सपने कैंपेन है, अमृत जनरेशन कैंपेन, ये लॉन्च करी है? किस कंपनी के साथ मिलकर करी है? दैट इज मेटा। अब जो मेटा कंपनी है, मेटा कंपनी जो है ये किसकी पेरेंटल कंपनी है? मेटा कंपनी जो है ये फेसबुक हो गया, आप लोगों का इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे इन सभी कंपनीज की जो पेरेंटल कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वही उसको मेटा कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो मेटा के साथ मिलके ये जो नई कैंपेन है अमृत जनरेशन कैंपेन, नए भारत के सपने, ये लॉन्च करे गए हैं। और जिसका मेन मकसद है कि यूथ ऑफ इंडिया को एम्पावर और एंगेज करना। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट को टॉप रैंकिंग मिली है अमंग द लार्जर स्टेट्स। मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में से कौन सी स्टेट को फिफ्थ स्टेट सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पोजीशन मिली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु वॉन द फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल। ठीक है, फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल जो है वो किन्होंने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्सन्स हैं जिन्होंने 23rd मतलब 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, और इसी के साथ इन्होंने ओवरटेक करा है राफेल नडाल और रोजर फेडरर को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन सी टीम ने विमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल जो है 2023 का वो जीता है? तो इसका आंसर है इंडिया। ठीक है, क्या आंसर है? इंडिया। ओके, अब ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था जापान में। और इन्होंने किनको हराया फाइनल में? हराया है साउथ कोरिया को 2-1 के साथ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पहली टीम है वर्ल्ड की जिसने सभी ICC टाइटल्स को जीता है, सभी ICC टाइटल्स को जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलिया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द आउटले ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल लिग्नाइट स्कीम फ्रॉम 2021 टू 2025। ठीक है, मतलब कितना आउटलेट है जो एक्सप्लोर किया जाएगा कोल लिग्नाइट स्कीम के अंडर 2021 से लेकर 25 तक के बीच में? तो दैट इज 2980 करोड़। ओके, अब कैबिनेट जो है ऑन इकोनॉमिक अफेयर उन्होंने अप्रूव कर दिया है किसका? कंटिन्यूशन मतलब स्टार्ट करना किसकी? एक्सप्लोर करना किसका? कोल लिग्नाइट स्कीम का। और ये स्कीम जो है सेंटर की इंप्लीमेंट हुई थी 2021-22 में, अब ये कंटिन्यू रहेगी 25-26 तक। और जिसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है?
2980 करोड़ रुपीस का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, मतलब नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल मीटिंग को चेयर कौन करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों के करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन है आप लोगों के रिवीजन के लिए। मैं आपको एंड में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग करंट अफेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम में हो तो आपको अब टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर करा रहा हूँ बस आप इसके साथ बने रहिए, बिकॉज यही इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।